वेलकम बैक श्री राम क्लासेस। हमने पिछले लेक्चर में किया व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका से आप क्या समझते हैं? व्यवस्थापिका के कार्य है व्यवस्थापिका दी संज्ञात्मक। व्यवस्थापिका से आप क्या समझते हैं? इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। क्या कारण है कि व्यवस्थापिका पतन की ओर जा रही है, यानी व्यवस्थापिका के महत्व में कमी होती जा रही है? आज हम पढ़ेंगे सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका। सरकार का दूसरा अंग, पहला क्या था? व्यवस्थापिका, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। दूसरा क्या है? कार्यपालिका। तीसरा न्यायपालिका। आज हम पढ़ेंगे सरकार का दूसरा और महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका। कार्यपालिका का नाम आते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि देश पर शासन करने वाला अंग कौन सा है? कार्यपालिका। देश पर शासन करने वाला अंग कौन सा है? कार्यपालिका। तो यानी आज हम कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। यह सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करना, देश में प्रशासित करना, प्रसारित करना, ये सारा कार्य किसका है? कार्यपालिका। यानी प्रशासन कौन चलाता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणालियों में ये अलग अलग कार्य करती है। जैसे संसदात्मक प्रणाली में कार्यपालिका की दो प्रधान होते हैं, नाममात्र का और वास्तविक। जैसे सिद्धांतिक तौर पर सारी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, लेकिन वास्तव में सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। और ऐसे ही हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का बताएंगे कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका क्या है? व्यवस्थापन विभाग से सर्वथा अलग रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका किस प्रकार कार्य करती है। पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि संसदात्मक प्रणाली क्या होती है। संसदात्मक प्रणाली में सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर कार्य करते हैं। और क्या है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है और वो व्यवस्थापिका के यानी प्रसाद पर्यंत ही बनी रह सकती है, और बहुमत गिरा और सरकार गिरी। इस प्रकार का यानी संसदात्मक प्रणाली की ये विशेषता रहती है, और इसका उदाहरण है भारत और ब्रिटेन। इसके बाद हम आएंगे अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली, अब अध्यक्ष और संसदात्मक प्रणाली की सॉरी एक विशेषता और है कि संसदात्मक प्रणाली में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, नाममात्र का और वास्तविक। जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या है? नाममात्र का और संवैधानिक अध्यक्ष है। वास्तव में सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। और भारत में क्या है? संसदात्मक प्रणाली है, और ब्रिटेन में भी क्या है? संसदात्मक प्रणाली। और अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या है? सरकार के जो मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित थी, इसमें क्या है? सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों विभाग अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं, और कोई विभाग किसी दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका के दो प्रधान नहीं होते। इसका उदाहरण है अमेरिका, और अमेरिका में क्या है? राष्ट्रपति ही नाममात्र का और वास्तविक शासक होता है। तो अब हम आते हैं कार्यपालिका और संसदात्मक प्रणाली पे। भारत में क्या है? संसदात्मक प्रणाली है। संसदात्मक प्रणाली में कार्यपालिका
कार्य करती है। जैसे संसदात्मक प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, नाम मात्र का और वास्तविक। कार्यपालिका आज हम करेंगे कार्यपालिका का अर्थ और परिभाषा। जैसे कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, संसदात्मक प्रणाली में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की यानी नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। अब इसको आगे समझेंगे, यानी नाम मात्र की यानी कार्यपालिका में हम किसका नाम लेंगे, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति यानी अपन एग्जांपल देंगे भारत के राष्ट्रपति का, यानी क्या है, संवैधानिक यानी कानूनन तौर पर सारी शक्तियां किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को। लेकिन व्यवहार में सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। और राष्ट्रपति क्या है, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बहुमत से कोई भी प्रस्ताव, कोई भी विधेयक, कोई भी नीति पारित होकर आएगी तो राष्ट्रपति को उसके पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुमत से पारित होकर आया है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं, किसमें यानी लोकसभा में। साथ ही राष्ट्रपति क्या है, यानी उसको उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, तो राष्ट्रपति को हम क्या कहेंगे, यानी वो अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी उसे हम एक रबड़ की मोहर की संज्ञा दे सकते हैं। यानी क्या है, मंत्रिमंडल से जो कानून या विधेयक या कोई भी प्रस्ताव पारित होकर आएगा, राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो इस प्रकार हमने समझा कि भारत में क्या है, संसदात्मक प्रणाली है, और संसदात्मक प्रणाली में कार्यपालिका किस प्रकार कार्य करती है। जैसे नाम मात्र की और वास्तविक दो प्रकार कार्यपालिका के प्रकार होते हैं, जिसमें नाम मात्र यानी संवैधानिक अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति, और वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की इसी शक्ति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि संपूर्ण प्रशासन किसके चारों ओर घूमता है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल पर, यानी वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण प्रशासनिक यंत्र घूमता है। तो ये तो हमने पढ़ा कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका क्या होती है, यह संसदात्मक प्रणाली में कैसे कार्य करती है, और इसके यानी कौन कौन से प्रकार है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसका कार्यपालिका का महत्व, कार्यपालिका के महत्व में आप ये भी लिख सकते हो। जैसे सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि दूसरा अंग कौन सा है कार्यपालिका, और तीसरा अंग कौन सा है, न्यायपालिका। क्योंकि अगर व्यवस्थापिका द्वारा यानी सरकार को व्यवहारिक रूप कौन देती है, कार्यपालिका, यानी प्रशासन कौन चलाती है, कार्यपालिका। इसके साथ ही सरकार के इस अंग का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है, यानी प्राचीन काल से ही कार्यपालिका किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रही है। इसके साथ ही अलोकतंत्रीय देशों में कार्यपालिका की सत्ता सर्वोपरि होती थी, और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में इस
इसका महत्व तो कम है। तो यानी क्या कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यानी हम कह सकते हैं राजतंत्र में कार्यपालिका आदि सुदृढ़ रूप से कार्य करती है, जबकि लोकतंत्र में उसे जनता के हित और जनता के मत को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। इसके साथ ही हम आगे करेंगे कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में कार्यपालिका के महत्व को दर्शाते हुए हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा हो जाने के पश्चात शेष जो शक्तियां बचती है वो किसके पास होती है? कार्यपालिका। यानी क्या है? व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा करने के पश्चात जो शेष सारी शक्तियां बचती है वो किसके पास रहती है? कार्यपालिका के पास। इस दृष्टि से भी कार्यपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। इसके साथ ही हम आगे करेंगे कि कार्यपालिका सरकार का अंग मात्र ही है, लेकिन प्राय सरकार का शब्द का प्रयोग कार्यपालिका के लिए भी लिया जाता है। यानी हम बताएंगे कि सरकार और कार्यपालिका एक ही चीज है। जैसे सरकार और कार्यपालिका एक ही सिक्के के दो पहलू है, इनमें कोई अंतर नहीं है। हम कह सकते हैं कि सरकार को ही कार्यपालिका और कार्यपालिका ही हमारी क्या है? सरकार है। इसके आगे कार्यपालिका सरकार का सार है और व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका इसके संवैधानिकरण के यंत्र मात्र है। यानी क्या है? कार्यपालिका की महत्ता को दर्शाते हुए कहा गया है कि व्यवस्थापिका यानी संसद, इसको संसद भी कह सकते हैं, और न्यायपालिका दोनों क्या है? यानी इसके आदेश या संवैधानिकरण का एक यंत्र मात्र है। यानी वो इसका उपयोग करता है। वास्तव में प्रशासन कौन करता है? कार्यपालिका। यानी इनको हम क्या कहेंगे? दोनों को कार्यपालिका का संवैधानिक यंत्र, संवैधानिक यंत्र। इसके साथ ही हम आगे अब करेंगे कार्यपालिका का अर्थ और परिभाषा। ये हमने इंट्रोडक्शन दिया स्टार्टिंग में कि कार्यपालिका क्या है। भारत में संसदात्मक प्रणाली है और संसदात्मक प्रणाली में कार्यपालिका किस प्रकार कार्य करती है, यानी हम उसको महत्व या इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। कार्यपालिका का अर्थ और परिभाषा। छोटा क्वेश्चन कई बार याद आता है, यानी कार्यपालिका का अर्थ स्पष्ट करो और कोई दो परिभाषाएं लिखो। तो जैसे कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसका कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को क्या है? कार्य में परिणित करना है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके साथ ही उनके आधार पर प्रशासन करना होता है। डॉक्टर गार्नर ने इस संबंध में कहा है कि विस्तृत एवं सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका उन सब कार्यकर्ताओं और समूहों का सम्मिलित रूप है, यानी सभी प्रशासनिक राजनीतिक दल और सभी प्रशासनिक कर्मचारी किस में आएंगे? कार्यपालिका में आएंगे। तो ये गार्नर के कथन इसी कथन को, यानी सभी राजनीतिक दल और प्रशासनिक कर्मचारी संस्थाएं संगठन सभी किसके अंतर्गत आएंगे? कार्यपालिका के अंतर्गत ही आएंगे। तो इसी कथन की पुष्टि करते हुए गार्नर ने लिखा है कि विस्तृत और सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका यानी क्या है?
की अभिव्यक्ति करने का साधन है। गार्नर का परिभाषा में सार क्या निकलता है, यानी इसमें कार्यपालिका में सभी राजनीतिक दल, प्रशासनिक कर्मचारी, संस्थाएं और संगठन आते हैं और इसके साथ ही यह राज्य को कार्यरूप प्रदान करता है। राज्य रूपी संस्था को कार्य रूप में परिणित करता है, यानी उसको प्रशासन को व्यवहारिक रूप कौन प्रदान करता है, सरकार, सरकार यानी व्यवस्थापिका। इसके साथ ही हम आगे क्या करेंगे, यानी जो कानून के रूप में निर्मित कर व्यक्त की गई है, यानी क्या है, जो कानून के रूप में व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर ही कार्य करेगी और कार्यपालिका सरकार का मध्य बिंदु होता है। जैसे व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य बिंदु कौन सा होता है, कार्यपालिका। और इसी के साथ यानी कार्यपालिका के मुख्यतः दो भाग होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका जो मैंने आपको बताया और प्रशासनिक कर्मचारी, दोनों ही इसमें सम्मिलित होंगे। तो गार्नर की परिभाषा से हमें यह स्पष्ट होता है कि राज्य रूपी संस्था को व्यवहारिक रूप कौन देता है, यानी कार्यपालिका और इसमें सभी राजनीतिक दल और प्रशासनिक कर्मचारी सम्मिलित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका के प्रकार अलग अलग देशों में कार्यपालिका अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे नाम मात्र की होगी, वास्तविक होगी, वंशानुगत होगी, अलग अलग होगी। उनका कार्यकाल भी अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। पहले हम पढ़ेंगे नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। कार्यपालिका का पहला प्रकार है नाम मात्र की वह वास्तविक कार्यपालिका। अब इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं कि नाम मात्र की, यानी हम इसमें उदाहरण देंगे भारत और ब्रिटेन का, दोनों की यानी तुलना करते हुए चलेंगे तो हमें अधिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। भारत और ब्रिटेन, यानी इसको हम ऐसे समझाएंगे कि भारत में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, नाम मात्र का और वास्तविक। जैसे मैंने आपको बताया वही बातें रिपीट होगी, जैसे राष्ट्रपति को यानी संवैधानिक प्रधान होता है, राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है, सैद्धांतिक कह लो या नाम मात्र कह लो एक ही बात है। दूसरा यानी ब्रिटेन में यानी व्यवहारिक कौन सा है, भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, एक ही चीज ध्यान में रखनी है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल या कैबिनेट कह सकते हो। ऐसे ही ब्रिटेन में हम नाम मात्र का और वास्तविक उदाहरण देंगे। ब्रिटेन में क्या है, सम्राट का पद है जो कि वंशानुगत है, तो सम्राट क्या हुआ, नाम मात्र का। या यूं कह लो सैद्धांतिक अध्यक्ष मात्र है। ये अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी संपूर्ण
नेट। ये हो गया वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण। तो नाम मात्र की अवास्तविक नींव में हमने भारत और ब्रिटेन का एग्जाम्पल पढ़ा, जिसमें भारत में राष्ट्रपति यह है, नाम मात्र का अध्यक्ष है, वास्तव में सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। इसी तरह ब्रिटेन में सम्राट का पद है जो कि वंशानुगत है, इसको हम क्या कह सकते हैं, नाम मात्र का। वास्तव में सारा प्रशासन कौन चलाता है, हम उसको राजमुकुट भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये कार्यपालिका का प्रकार हुआ नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल और बहुल कार्यपालिका, एकल और बहुल कार्यपालिका। इसमें हम पढ़ेंगे कि एकल कार्यपालिका यानी संगठन की दृष्टि से कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। ऐसे स्टार्टिंग करोगे, संगठन की दृष्टि से कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका का तात्पर्य ऐसे संगठन से है जिसके अंतर्गत निर्णयात्मक और अंतिम रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है। यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एकल कार्यपालिका में समस्त प्रशासनिक शक्ति किस पर निर्भर होती है, यानी एकल कार्यपालिका में एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित होती है। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे कि शासन प्रबंध की सुविधा से कार्यपालिका की शक्ति का विभाजन अवश्य कर दिया जाता है, किंतु अंतिम रूप से वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह ही उत्तरदायी होता है जिसके पास शक्तियां होती है। यानी एकल कार्यपालिका में एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियां होती है और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से वो इसका विभिन्न विभागों में वितरण कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय यानी शक्ति या अंतिम निर्णय किसका होता है, निर्णायक वो होता है जिस व्यक्ति के पास या व्यक्ति समूह के पास शक्तियां होती है। वर्तमान समय में अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का उदाहरण है। एकल कार्यपालिका का एग्जाम्पल हम क्या देंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, अमेरिका का राष्ट्रपति। यानी हम कह सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का पद विश्व का सबसे शक्तिशाली संवैधानिक पद है। इसमें नाम मात्र का वास्तविक जैसा राज्य का अध्यक्ष नहीं होता, राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है और राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो जनता द्वारा चुना जाता है। यानी निर्वाचक मंडल का निर्माण होता है और उसके द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का नियुक्ति यानी राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। इसके साथ ही इंग्लैंड और भारत आदि संसदीय शासन में कार्यपालिका भी एकल कार्यपालिका के उदाहरण है और कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिमंडल के हाथ में होती है और अनेक व्यक्तियों की एक संस्था है और जो सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल पर निर्भर होता है, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है बहुल कार्यपालिका। यानी मंत्रियों के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि सभी एक साथ ही डूबते हैं और एक साथ ही तैरते हैं। कहावत है सभी एक साथ ही डूबते हैं और एक साथ ही तैरते हैं। यानी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत
सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कहा जा सकता है। इस प्रकार संसदीय शासन एकल कार्यपालिका का ही उदाहरण कह सकते हैं। आगे का हमने दो पढ़ा, नाममात्र की वास्तविक कार्यपालिका, दूसरा हमने पढ़ा एकल और बहुल कार्यपालिका, और उससे आगे हम तीसरा पढ़ेंगे संसदीय और संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। तीसरा पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, यानी संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका किस प्रकार कार्य करती है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली, ये एक ही बात बारी बारी रिपीट हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि संसदात्मक का उदाहरण है भारत और ब्रिटेन, और अध्यक्षात्मक का उदाहरण है अमेरिका। संसदात्मक में नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका होती है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, वास्तव में सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, इसीलिए यानी इसको यानी प्रधानमंत्री की तानाशाही या प्रधानमंत्री सरकार कहकर भी पुकारा जाता है। अध्यक्षात्मक का उदाहरण है अमेरिका, और अमेरिका का राष्ट्रपति जिसमें क्या होता है नाम मात्र का और वास्तविक जैसा कुछ नहीं होता, राष्ट्रपति ही नाम मात्र का और वास्तविक दोनों राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है, और वह सबसे शक्तिशाली संवैधानिक पद है। तो कल हम करेंगे संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणालियों में कार्यपालिका किस प्रकार कार्य करती है। आज के लिए बस इतना ही।